जो रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफ जर्नलिस्ट हैं, जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जो यहाँ एथनिक के लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ MWO के लोग बैठे हुए हैं, जो कैमरा एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ एंकर्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, जो कैमरे के उस तरफ मीडिया वर्कर्स खड़े हैं, मैं सबको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ये जिस किस्म का काम हुआ ये हमारी कोई मेहरबानी नहीं है, ये हुकूमत की कोई मेहरबानी नहीं है, ये वही कड़ी और वही सिलसिला है जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म जिस 8th वेज बोर्ड का 18 साल के बाद अफजल भट्ट साहब जिक्र कर रहे थे 8th वेज बोर्ड का जो कि 18 साल के बाद नाफिज हुआ था, ये उसी विजन की कड़ी है। और जब अपोजिशन लीडर थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तो हमारे अपोजिशन चैम्बर में अफजल भट्ट साहब भी आते थे, जर्नलिस्ट भी आते थे, रिपोर्टर्स भी आते थे, कभी किसी की पर्ची आने की तबीयत ख़राब है, कभी किसी की पर्ची आने की तबीयत ख़राब है, तो मुझे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत आएगी तो मरियम ये काम आपने करना है कि जो जिस तरह हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है कि डिग्निफाइड तरीके से जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस का काम करना है। तो ये उसी विजन का, उसी खिदमत की ये कड़ी है, सिलसिला है जो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर जारी हुआ है और ये इसका सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि पिछले 4 साल में ये कोई सियासत नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ सहाफ़ियों की बात हो रही है, मैं अपनी गुफ्तगू को भी बहुत से मौके होते हैं जो हम सियासत पे गुफ्तगू कर सकते हैं, सियासी जमातें एक दूसरे के साथ अपना मौक़िफ़ बयान कर सकती हैं, लेकिन ये सहाफ़ियों के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए एक ऐसी चीज़ है कि जो उनका हक था, जो मालकान की तरफ से किसी भी रीज़न की वजह से कोई कोताही थी, कोई कमी थी, ये जो गवर्नमेंट का पैसा होगा ये उसको ब्रिज करेगा ब्याज, ये किसी तरह भी मालकान की जो जिम्मेदारी है वो बरी जुबान नहीं हो सकती, और उसके लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है जिसमें पैमरा के कानून के अंदर पहली दफ़ा जो PFUJ है जो है उस काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में जहां मालकान के पास सीट है PBA के पास, वहां PFUJ के पास भी अब अथॉरिटी के अंदर भी और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर भी उनको सीट दी गई है, और उसको लिंक किया गया है कि जितने गवर्नमेंट के बिजनेस इश्तहारात में जाते हैं मीडिया हाउसेस को पैसे, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हों, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड हों, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हों, चाहे वो आपकी नौकरियां हों, एम्प्लॉयमेंट्स हों, जो कॉन्ट्रैक्ट लीगल तरीके से उसके SOPs हैं उनको मुकम्मल करने के लिए पैमरा के अंदर अथॉरिटी के अंदर और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर आपकी नुमाइंदगी दे दी गई है और उनको इश्तहारात के साथ लिंक किया गया है। उसके साथ साथ जो ITNE की बात हुई, ये अफजल भट्ट साहब ने इसका जिक्र किया कि ये हुकूमत 1 साल की ज़रूर है, लेकिन इस हुकूमत ने किसी सहाफ़ी के पेट में गोलियां नहीं मरवाईं, पसलियां नहीं तुड़वाईं, उनके घरों में घुस के उनकी हड्डियां नहीं तुड़वाईं, उनके नाक नहीं तुड़वाए, उनके कलम, उनके कैमरों। मुझे एक प्रोग्राम बताएं चैनल का जो चलते बंद हुआ हो, एक केस बताएं इरफान सदीकी जैसा या मीर शकीलुर्रहमान साहब, तो ये अफराद को जेल करके बंद करके सियासी इंतकाम के जमरे में ये मैसेज होता है उस इंडस्ट्री को कि अगर ये शख्स बंद हो सकता है तो फिर जो मीडिया वर्कर या जर्नलिस्ट या रिपोर्टर है उसकी क्या औकात है, और वही चीज़ PMDA की सूरत में हम पे मुसल्लत होने लगी है। उस वक्त भी अफजल भट्ट साहब का मैं नेशनल इस्लामाबाद प्रेस क्लब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, अफजल भट्ट साहब का, PFUJ का, आप सब लोगों का, कि यही कुर्सी थी, जितना मजबूत और बहादुर मैं अपने आप को इस कुर्सी के ऊपर पाती हूँ वो मैं अपनी वजीर की कुर्सी के ऊपर पाती हूँ, क्योंकि ये वाहिद वो कुर्सी थी जो नेशनल प्रेस क्लब की थी जो हमें मुयस्सर थी। जिस वक्त पार्लियामेंट के दरवाजे मीडिया के लिए बंद थे, कोई प्रेस टॉक नहीं हो सकती थी, कोई मेंबर नेशनल असेंबली वहाँ प्रेस टॉक नहीं कर सकता था, क्योंकि हुक्म था कि किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा, जो जेलों में जाने से बच गए थे उनकी आवाज़ बंदी हो गई थी। आपको याद होगा मीडिया कॉर्नर पहले दिन आकर हमने पार्लियामेंट का कैमरामैन के लिए और सहाफ़ियों और रिपोर्टर्स के लिए खोला, इस 1 साल के पहले दिन जो गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, हमने सड़कों के ऊपर खड़े होकर प्रेस टॉक्स की, हमने रोडों के ऊपर खड़े होकर प्रेस टॉक्स की, और तब मैं अफजल भट्ट साहब को फ़ोन किया करती थी, अफजल भट्ट साहब हमने प्रेस टॉक कर लिया, ज़रा एक
एक बात मैं आपको बताऊं, इनके आपके साथ अपना ताल्लुक होगा, आपकी सहाफत की एक बरादरी का ताल्लुक होगा, लेकिन ये शख्स बहादुर है कि जिस वक्त हमारे अपने पार्लियामेंट के दरवाजे खुले थे, नेशनल प्रेस क्लब के दरवाजे हम पे खुले थे, जब पार्लियामेंट के दरवाजे बंद थे, जब वहाँ मीडिया कॉर्नर बंद कर दिया गया था, जब चलते प्रोग्राम बंद कर दिए गए थे, जब नैब में लोग जाते थे पेशियों के लिए, इन लोगों के ऊपर जुल्म क्या हुआ? ये जुल्म कहते हैं इसको? 4 साल जो इस मुल्क में सियासी इंतकाम और सहाफत के ऊपर कदगने लगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इसीलिए मीडिया प्रेडेटर का खिताब, उसको लकब मिला, जो RSF की रिपोर्ट कहती है कि 1 साल में 7 पॉइंट्स फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है वो इम्प्रूव हुआ है, वही RSF की रिपोर्ट ने मीडिया प्रेडेटर का, और ये वही विजन है जो साहब, और हम PMDA के वक्त अफजल भट्ट साहब के साथ मैं उस धरने में मौजूद थी जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ था, वो इतना काला कानून था जो नाफिस किया जा रहा था आप सब की आवाज़ बंद करने के लिए, आपके कैमरे बंद करने के लिए, आपका जो आज़ादी सहाफ़त है उसको कत्ल करने के लिए। लेकिन जब हम खड़े हुए, जब तमाम सहाफती बरादरी खड़ी हुई, मीडिया वर्कर खड़े हुए, वो नहीं हो सका, जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल हुई वो नहीं हो सका। और यही वो वजह है कि अगर आपका लीडर बहादुर हो, जब लीडर नवाज शरीफ था तो जमाल किस तरह खड़ी थी, जब लीडर नवाज शरीफ था तो सबसे पहले जेल गया था कि मेरे कारकुन को ना हाथ लगाया जाए, उनको पता था झूठे केसेस हैं, उनको पता था ये पैनामा नहीं है, ये मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम और मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाकर मुझे अंदर किया जा रहा है। किसी ने देखा कि कोई एम्बुलेंस तोड़ी गई हो, मरीजों को सड़कों पर फेंका गया हो, हस्पताल तोड़े गए हों, मस्जिदें तोड़ी गई हों, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन, हसास तनसीबात के ऊपर हमले किए हों, कोई किसी किस्म की ऐसी कॉल आई थी यहाँ से GHQ से, या GHQ के दरवाज़ों के ऊपर मुजस्मे यादगारें शोहदा की उनको तोड़ के उनको नीचे फेंक के उनको ठुटे मारे जाएं, क्योंकि उनको पता था मैंने कोई गलत काम नहीं किया और इस मुल्क की हिफाजत जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया वो मेरा फ़र्ज है, मेरी ज़ात के साथ क्या हो रहा है वो मेरा मसला है और अल्लाह ताला के ऊपर मैंने छोड़ा है। लेकिन जो इस मुल्क की हिफाजत है, इस मुल्क को तामीर किया, इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया, इस मुल्क के अंदर तरक्की लाए, इस मुल्क के अंदर मोटरवे बनाई, इस मुल्क के अंदर CPAC लाए, रोज़गार दिया, महंगाई ख़त्म की, इस मुल्क के अंदर नौजवानों को रोज़गार दिया, ये वो तमाम वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रही हैं। उनकी जानिब से कहा गया मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस और रिलीफ पैकेज की ये तकरीब है, मुल्क को नफरत और फसाद के खात्मे की ज़रूरत है, सहाफ़ियों को हेल्थ इंश्योरेंस और रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों को सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा किया, मौजूदा हुकूमत ने किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद नहीं किया। आपको याद होगा कि APS के वक्त जब सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट की बात हुई, जो दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करते थे, तो सबसे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट और जो कैमरामैन हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए कानून साजी की जाए, जिसमें मैं ज़रूर नाम लूँगी नफीसा शाह साहिबा का, उनका प्राइवेट बिल था और मैं वज़ीर थी, हम लोगों ने मिलकर इस पर काम किया, जो 4 साल उसके ऊपर कानून साजी पार्लियामेंट से उस बिल पे ज़रूर हो गई, लेकिन उसका कोई वाली वारिस नहीं था, उसको ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री में छोड़ दिया गया, और अब अल्लाह ताला के फजलो करम से जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट